नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्लू इंडिया में। आज बात करते हैं बुलंदशहर के देवेंद्र कुमार शर्मा उर्फ डीके शर्मा जी के बारे में, जो काफी जोरों शोरों से बंगाल में ममता बनर्जी को हटाने की तैयारी कर रहे हैं। बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की होने वाली सभी रैलियों की पूरी जिम्मेदारी देवेंद्र कुमार शर्मा को दी गई है। देवेंद्र कुमार शर्मा ने हर रैली की शुरुआत भूमि पूजन से करी है। आगे की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप ब्लू इंडिया न्यूज की रोजाना अपडेट चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर भी जुड़िए। 8826857172 नंबर पर हमसे जुड़े। अब बात करते हैं देवेंद्र कुमार शर्मा जी कौन है। देवेंद्र कुमार शर्मा जी पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष एवं पूर्व भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहे हैं। देवेंद्र कुमार शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि RSS से भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ गरीबों की सेवा करना, छात्र दान करना, कहीं कंबल बांटना भी देवेंद्र कुमार जी के प्रथम कामों में से एक काम है। बंगाल में होने वाली सभी रैलियों में देवेंद्र कुमार शर्मा ने काफी बड़ा योगदान दिया है। सभी रैलियां सफलतापूर्वक हो चुकी हैं और कई रैलियां होने भी वाली हैं। बंगाल में भाजपा सरकार को लाने के लिए देवेंद्र कुमार शर्मा काफी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अपनी पार्टी को जितना मजबूत वह कर सकते हैं उतना ही वह करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनके द्वारा अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने के कारण पार्टी के सभी नेता एवं कार्यकर्ता उनकी काफी प्रशंसा करते हैं। डीके शर्मा पार्टी द्वारा दिया गया हर कार्य बखूबी निभा रहे हैं। देखना यह होगा कि आने वाली 2 मई को कौन सी पार्टी चुनाव जीतती है, क्या डीके शर्मा जी की मेहनत रंग लाएगी। अगर आप ब्लू इंडिया न्यूज को रोजाना अपडेट चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर 8826857172 नंबर पर जुड़ें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।